और ये वाला हमारा कवर अगर आपको पसंद आया तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करके या कॉल करके इसका ऑर्डर लगाइए। तो ये देखिए हमारा फिश टैंक का कवर कितना सादा सिंपल है, बहुत ही रीजनेबल है कम से कम रेट का। देखते हैं यहाँ पे हम फूड डालने के लिए, यहाँ पे इसको पूरा हैंडलिंग वर्किंग है और ये प्लास्टिक का है जिसकी वजह से हमारे पास में अगर इनकेस पानी भी गिरता है या शॉर्ट सर्किट भी इसके अंदर होने के चांसेस नहीं है। इसके अंदर हम यहाँ पे ट्यूबलाइट लगा सकते हैं। तो ये देखिए हमारा हो गया ये वाला जो टॉप कवर रेडी। सबसे पहले अपना एक्वेरियम का साइज लेके मुझे कॉल करिए और इस टॉप कवर का ऑर्डर लगाइए। तो ये यहाँ पर हमने है तो अपना जो एक्वेरियम का कवर है उसके हिसाब से डिजाइनिंग के हिसाब से ये वाले प्लेट्स कट कर दिए। ये वाला सामने का फ्रंट है जो कि कवर को लगने वाला है, यहाँ पर हम जब भी ज्वाइंट करेंगे इसको। और ये वाली जो व्हाइट शीट है मार्केट में, व्हाइट शीट तो मिल ही जाएंगी आपको, पर ये जो कलरिंग किया हुआ है ये कलर हमने किया है, व्हाइट शीट के अंदर है तो कलर हमने किया है। ये अगर कलर वाला शीट चाहिए आपको तो मेरे से ऑर्डर करा के ये भी ले सकते हैं और इसको हम पार्सल भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों हमारा इस कवर का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये वाला सामने वाला फ्रंट पट्टी है, इस पट्टी को हम यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। ओके। कॉर्नर पे यहाँ हम इसको लगा देंगे। और यहाँ पे हमने इस ग्लू को स्टिक किया है, छोड़ दिया है ग्लू को, ये हो गया। एक सेकंड के अंदर हमारा ग्लू परफेक्ट कंप्लीट पेस्ट हो चुका है। और इस साइड वाली बाजू को भी यहाँ पे हम ज्वाइंट करेंगे इसको। एक बार हम चेक कर लेते हैं करते हैं। देखिए ये हमने एक तीन साइड से इसको ज्वाइंट कर दिया। अब ज्वाइंट के बाद में यहाँ हमने ये वाली व्हाइट सीट है इसको हमने कलर कर दिया है, कलर करके लिया है इसको। और यहाँ पे हमने एक लाइनिंग लगा दिया, एक अंदर से लाइनिंग लगा दिया। अब देखते हैं हम अभी इसको कवर को कैसे बनाएंगे और बहुत आसान तरीके से। देखिए एक बार क्लियर में दिखा रहा हूँ आपको, ये हमारा रेड कलर का जो कलर है और इस जैसे व्हाइट है, ये अंदर साइड से आने वाला है, ये बाहर साइड से आने वाला। यहाँ पे हमने एक लाइन लगाया है और एक यहाँ पे लाइन लगाई है और इसको हम कवर को फूड डालने के लिए चालू बंद भी मूविंग भी हो जाएगा। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं इस टाइप से। पहले हम इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। ये देखिए एकदम राइट जॉइंट देने जरूरी है, नहीं तो हमारे कवर की फिनिशिंग पूरी बिगड़ सकती है। यहाँ पे फिनिशिंग में कवर हमारा नहीं बनेगा तो हमें बराबर से ठीक से और देर ये करें कि इसको ज्यादा हम ग्लू अगर देते हैं तो नीचे के साइड में ये पेस्ट होने के चांसेस हैं। और सपोर्ट के लिए हमें यहाँ पे ये एल साइज ज्वाइंट देना है। और ये हम जब जॉइंट देते हैं तो बहुत मजबूत बन जाता है। ये देखिए यहाँ पे मैं इसको, ये हमारा लास्ट कॉर्नर है जिसको मैं जॉइंट कर रहा हूं। थोड़ा सा एक एक बूंद
देखिए खतरा है, यहाँ पे छोड़ना है हमारे ग्लू को। इस ग्लू को इस टाइप से यहाँ पे हम ज्वाइंट करेंगे, बस दो बूंद छोड़ दिए थे, ये हमारा कवर। देखिए अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो आप देख सकते हैं कि हमने अभी तक क्या किया। ये है हमारा एक्वेरियम का कवर बनाने का प्रोसेस। सिर्फ अब करना क्या है, ये देखिए ये जो है इसको इस टाइप से फोल्ड कर दिया और फोल्ड करके इसको दे दिए यहाँ पर ज्वाइंट। देखिए इसको हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया थोड़ा सा, ये हो गया एक साइड का। थोड़ा सा इसको हमें तो थोड़ा मूविंग करेंगे तब तक जो हमारा ग्लू है ठीक से बैठ जाए। और इसके बाद में ये वाली साइड हमारी, देखिए हमारा कवर कंप्लीट बन चुका है। देखो अभी एकदम सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही सादा है। देखिए ये यहाँ पे हमने लगा दिया, हो गया। अब देखो इसको इसको हम यहाँ पे फोल्ड कर देंगे। कटिंग करते हैं, तो अब इसको हम यहां से इस टाइप से, ये जो है हमारी सीट, बस कुछ नहीं। हमारा कवर यहाँ पे हम देखते हैं हो गया कंप्लीट, ये हमारा कवर। तो देखिए फ्रेंड ये हमारा कवर यहाँ पर कंप्लीट रेडी हो गया। हम इसको अभी ना ये हैंडल है थोड़ा सा उठाने के लिए हम इसको थोड़ा सा जॉइंट यहाँ पे कुछ तो भी सपोर्ट दे देंगे, हैंडल दे देंगे जो कि मजबूती के साथ में अच्छे से इसको हम उठा सके, उठाने के लिए ओपन करने के लिए। ये एक ज्यादा नहीं बहुत ही थोड़ा यहाँ पे हमको ग्लू यूज करना है। यहाँ पे हमने ग्लू इसमें यहाँ पे डाल दिया है, और ये हो गया हमारा टॉप कवर।